मित्रों शुभ संध्या नमस्कार, कैसे आप लोग, गुड इवनिंग। आज के विचार इस प्रकार हैं, कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमें भाग के सहारे नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति भाग के सहारे बैठता है वह डूब जाया करता है और कर्म के सहारे बैठा व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो हमें भाग पर ध्यान न देकर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए और कर्म पर ध्यान देने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। तो भाग के सहारे बैठने वाला व्यक्ति रोता है क्योंकि कर्म हमारे हाथों में है, भाग हमारे हाथों में नहीं है। दूसरी बात यह है, दीपक बोलता नहीं है, दीपक का प्रकाश उसका परिचय देता है। उसी प्रकार अच्छे कर्म करते रहें, वहीं आपका परिचय देंगे। आपको ध्यान देना चाहिए अपने कर्मों पर, अपने कार्यों पर, और जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आएँ कभी हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि सूरज की तपन से समुंदर सूखा नहीं करते। मित्रों विषम परिस्थितियों का सामना करें और कभी हार न माने। कितनी भी कठिन परिस्थिति आए उसमें निराश न हो, हार न माने। जो हारता नहीं है वही जीतता है, और हार से सीख लें, कठिन समस्याओं से जूझें, लड़ें और मेहनत करें, खूब परिश्रम करें, अथक प्रयास करें और निश्चित रूप से आप एक दिन सफल होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।